हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम कटिंग करेंगे प्लाजो की, दो वो भी तीन मिनट के अंदर अंदर हम कटिंग कर देंगे प्लाजो की। दोस्तों, हमने ये डबल फोल्ड किया है और खुला हुआ पल्ला जो है अपने सामने रखा है और बंद सिरा जो है वो अपनी तरफ रखा है इस तरह से। और इसके दोस्तों नाप जो है वो 37 इंच रहेगी और इसकी कमर जो है इलास्टिक पड़ेगी 21 इंच और कमर 30 इंच है। और इसकी जो लटक रहेगी वो 13 इंच रहेगी तैयार बनने के बाद। और इस तरह से हमने इसे कपड़े को बिछा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये लंबाई है 37 इंच रहेगी तैयार, तो हमें 37 इंच रखनी है क्योंकि नीचे डिज़ाइन है तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं होना है कपड़ा। तो हमने 37 इंच पर निशान लगा लिया, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है जिसमें इलास्टिक पड़ सके। और यहाँ पर हमने कमर से 10 इंच लूजिंग दी है। और ये हमारा लटक का निशान है 13 इंच का इस तरह से। और ये हमारा निशान जो है ये 10 इंच लूजिंग है, तो यहाँ पर भी हमें इसी हिसाब से निशान लगाना है, 2 इंच प्लस करना है। और कमर रांग जो रहेगी हमारी वो 25 इंच रहेगी और मोरी भी 25 इंच है। और बीच में हम ढाल दे देंगे इस पटरी के द्वारा इस तरह से। दोस्तों, ये निशान लग गए। इस तरह से हमने लकीर लिया है और इसे यहाँ पर निशान लगाकर ये हमारी 25 इंच रंग आ गई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों, एक ही बार में कटिंग हो जाएगी इसकी दोनों पल्लों की। और ये सबसे सरल तरीका है एक ही बार में कटिंग करने का। प्लाजो सादा प्लाजो का तरीका यही है, बिल्कुल एक ही बार में कटिंग हो जाती है, मात्र 2-3 मिनट लगते हैं। कपड़ा बिछाते हुए भी टाइम लगता है, कटिंग करते हुए टाइम नहीं लगता है। दोस्तों, ये कट चुका है। अगर आप लोगों को ये कटिंग अच्छी लगी हो और ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।